हेलो व्हीकल केयर व्यूअर, वेलकम बैक टू द ब्रांड वीडियो। फोर्ड ने अपनी न्यू जनरेशन फोर्ड एवरेस्ट लॉन्च कर दी है, जिसे इंडिया में फोर्ड एंडेवर नाम से जानते थे। तो उसकी 2022 जनरेशन आ गई है और ये न्यू एंडेवर न्यू रेंजर पिकअप पर ही बेस्ड है और इसके डिजाइन एलिमेंट्स, प्लेटफॉर्म और बहुत सारे फीचर्स न्यू रेंजर पिकअप से ही लिए गए हैं। और अगर आप इस लेटेस्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर को देखेंगे तो आपको बहुत बुरा फील होने वाला है, क्योंकि फोर्ड तो अब इंडिया से चली गई है। तो चलिए न्यू फोर्ड एंडेवर को थोड़ा खुलकर जानते हैं। तो व्हीकल केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। ओल्ड एंडेवर जो इंडिया में थी, अगर उससे कंपेयर करें तो लेटेस्ट फोर्ड एंडेवर में मैसिव चेंजेस हुए हैं, जिसे देखकर आपको बहुत पछतावा होगा। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस आपको इसके एक्सटीरियर में ही देखने को मिलेंगे। न्यू जनरेशन फोर्ड एंडेवर अब फ्रंट से और ज्यादा बॉक्सियर और मस्कुलर हो गई है। इसमें अब पहले से और ज्यादा बड़ी ग्रिल देखने को मिलती है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल सैटिन क्रोम बार दे रखा है, जो ग्रिल से एक्सटेंड होकर न्यू मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स तक जाता है। और इसमें सी शेप्ड डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं। और ये हेडलाइट्स और फ्रंट लुक को अगर ओल्ड जनरेशन फोर्ड एंडेवर से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा मस्कुलिन एंड फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सिमिलैरिटीज भी हैं ओल्ड मॉडल के कंपैरिजन में, अगर इसकी साइड प्रोफाइल से इसको देखा जाए तो। बट न्यू एंडेवर डेफिनेटली ज़्यादा स्क्वेयर्ड हो गई है, जिसमें आपको इसके फ्रंट और रियर ओवरहैंग थोड़े शॉर्ट मिलते हैं। ओवरहैंग का मतलब होता है कि आपके फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच के जो आगे का हिस्सा होता है उसको ओवरहैंग कहते हैं। तो वो इस जनरेशन यानी 2022 की फोर्ड एवरेस्ट में आपको थोड़ा शॉर्ट करके मिलेगा। और ओवरहैंग शॉर्ट होने की वजह से इसका अपर्चर एंगल और डिपार्चर एंगल ओल्ड एंडेवर से इम्प्रूव हो गया है। By the way, dimensionally new Ford Endeavor 50mm wider और 50mm longer हो गई है। इसके wheel base को 50mm increase करा गया है, जिससे इसका interior space तो increase हुआ ही है, बल्कि इसका driving experience भी और ज़्यादा stable हो गया होगा। और बात करें इसके rear end की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा changes हुए हैं, जैसे कि इसकी inverted L-shaped LED tail lights, जो एक्सटेंड होती हुई ब्लैक पैनल से जाकर मिलती हैं। और इसका टेल गेट अब और ज़्यादा अपराइट हो गया है और इसका टेल गेट ग्लास और ज़्यादा बड़ा मिलता है। और इसके टॉप एंड स्पैक में अब मैसिव 21 इंचेस एलॉयज मिलते हैं। इससे पहले वाली जनरेशन जो इंडिया में फोर्ड एंडेवर की है, उसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते थे और वही एलॉय व्हील्स इतने बड़े लगते थे, और अब तो इसमें 21 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके न्यू इंटीरियर और फीचर्स की। न्यू एंडेवर का इंटीरियर भी अब कम्प्लीटली चेंज कर दिया है ऑल न्यू डिज़ाइन और लेआउट के साथ। और इसका न्यू अपराइट डैशबोर्ड अब और ज़्यादा डोमिनेटिंग लगता है, जिसमें पोर्ट्रेट डिज़ाइन में मैसिव 12 इंच की टच स्क्रीन दे रखी है, समथिंग लाइक टेस्ला। और बेस वर्जन में ये इंफोटेनमेंट आपको 10.1 इंच के साइज में मिलेगा। और न्यू फोर्ड एंडेवर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा डिजिटल है इस बार, जिसका साइज है 12.4 इंच टॉप वर्जन में और 8 इंच लोअर वर्जन में। 2022 फोर्ड एंडेवर में बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं जो इंडिया में शायद ही कभी टोयोटा फॉर्च्यूनर दे पाए। वैसे फोर्ड एंडेवर के इंडिया में सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, ट्रेंड और दूसरा टाइटेनियम, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, जिसमें इसका बेस मॉडल है एम्बियंट, जिसमें आपको छोटे छोटे एलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसमें LED लाइट्स नहीं मिलती। इसके बाद आता है इसका ट्रेंड वर्जन, जो इंडिया में भी आता था, जिसमें आपको थोड़े एडिड फीचर्स मिलते हैं। इसके ऊपर आता है टाइटेनियम वर्जन, जिसमें आपको सारे ज़रूरत के फीचर्स मिलते हैं जो आपको चाहिए। और इससे ऊपर आता है इसका स्पोर्ट वर्जन, जिसमें आपको ब्लैक अलॉयज और थोड़ा ब्लैक पार्ट्स मिलता है जगह जगह क्रोम को हटाकर, और थोड़े स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं। और इससे भी ऊपर आता है प्लेटिनियम वर्जन, जो इसका टॉप वर्जन है, जिसमें आपको 21 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं, 12 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको चाहिए एक 50 से 60 लाख की गाड़ी में, जैसे एम्बियंट लाइटनिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फोर्ड कनेक्टेड कार टैक, पैनारोमिक सनरूफ, 10-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड पावर फोल्डिंग थर्ड रो सीट्स एंड टेलगेट। और फोर्ड हमेशा से सेफ्टी का तो ध्यान रखता ही है। सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं, हैंड्स फ्री पार्किंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद लेन सेंटरिंग और फोर्ड का प्री कॉलिजन असिस्ट विद इंटरसेक्शन असिस्ट, जिससे कार ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा लेती है जब सामने से कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है या फिर सेंसर्स को लगता है कि कॉलिजन होने के चांसेस हैं, उससे पहले ही कार ब्रेक लगा लेती है। फोर्ड एंडेवर इंजन, इसमें इंजन की बात करें तो अब इसमें 2 इंजन मिलते हैं 2.0 लीटर के, जो कि सिंगल टर्बो या फिर ट्विन टर्बो के साथ। और अब इसमें न्यू 3.0 लीटर का V6 इंजन भी दिया गया है, जो न्यू रेंजर में भी आता है।
और इस इंजन के साथ अब आप इसकी पावर और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा ही सकते हो। और गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें वही मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन और 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है और ये रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव लेआउट्स में मिलेगी डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएंट्स। हालांकि फोर्ड ने इसकी भी पावरफुल रेंजर रैप्टर को रिवील कर दिया है और रेंजर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज विल द न्यू फोर्ड एवरेस्ट कम टू इंडिया। तो अब बात करते हैं कि क्या न्यू फोर्ड एंडेवर इंडिया में आ सकती है। तो अभी तक तो काफी मुश्किल है कि फोर्ड इसको इंडिया में लेकर आए क्योंकि फोर्ड ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इंडिया में शट डाउन कर दिए हैं, जिसका बहुत सारे फोर्ड एंडेवर लवर को दुख भी है। बट ये अमेरिकन कार मेकर अपनी सेल जारी रखेगा फुली इंपोर्टेड हाई एंड मॉडल्स के साथ, जैसे मस्टैंग मार्की SUV और मस्टैंग मसल कार के साथ। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प दिखाई है ऐसे कार मेकर्स के लिए। 26,000 करोड़ की PLI स्कीम निकालकर जिसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाए ऐसे कार मेकर्स को, जिसमें फोर्ड का नाम भी आया है। लेकिन इसके लिए काफी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो हो सकता है कि फोर्ड इंडिया में फिर से अपनी कार्स बनाना स्टार्ट करे और फिर ये एंडेवर इंडिया में आ सकती है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ।